अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब शहजाद है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिनके साथ मुझे बहुत मोहब्बत है और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया और पाल पोछ के इतना बड़ा किया। मुझे फ़ख्र है उन पे, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया मेरे साथ और मुझे एक ऐसे मुकाम, ऐसे स्टैंड पे खड़ा किया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब अपना कमाता हूँ, खाता हूँ और उनका सहारा बना हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बच्चा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो आए मैं आपको अपनी पहले वालदा से मिलाता हूँ, फिर बाबा से मिलाऊँगा इंशाल्लाह। मैं घर आया हूँ तो अम्मी ने मुझसे पूछा है कि जी बेटा क्या खाएँगे आप, तो मैंने कहा जो मेरी पसंदीदा चीज़ है ना वो पका दें। तो उनको पता था मेरी पसंद का क्या है, तो उन्होंने जो पसंद पका रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, अपने भाइयों के साथ सबके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मी, ठीक हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक। अम्मी मैं एक हफ्ते के बाद घर आया हूँ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो अम्मी ने मेरी पसंदीदा, अम्मी आप क्या पका रही हैं मेरी पसंदीदा सब्जी? करेले। करेले मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी। अच्छा तो ये देखें अम्मी करेले बना रही हैं मेरे लिए, माशाल्लाह। अम्मी ने इतनी सब्जियाँ काटनी शुरू कर दी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं घर आता हूँ तो ऐसा कि मतलब जैसे बाहर हम कहीं ना किसी फजूल सी जगह में रहते हैं, तो घर आए हूँ तो ऐसे घर जैसे जन्नत की तरह होता है। तो आए मैं अब आपको अपने वालिद साहब से मिलाता हूँ जो कि पुलिस में थे और अब वो छुट्टियों पे मेडिकल लीव्स पे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनकी सेहत ठीक करे। तो ये मेरे बाबा हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्बू जान, ठीक हैं आप? बस ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? बस तभी ख़राब रहती है सर, तो अपना दवाई खा रहा हूँ। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा। जितने लोग आपको देखेंगे इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे। और तबीयत सब ठीक है? बेहतर। अब आप घर हैं, पुलिस की नौकरी से आप दस्तबरदार हो गए हैं, घर आए हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है मुझे घर में रहते हुए? घर में फैमिली के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये मेरे अब्बू हैं, ये फैसलाबाद ड्यूटी करते थे और तो इनकी ड्यूटी जो है ये LPR पे छुट्टी ख़त्म हुई गई इनकी और ये घर आए हुए हैं और बस ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का ज़िंदगी गुजर रही है। तो फ्रूट में मैं अनार बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। मेरे अबू फालसा बहुत पीते हैं, अनार बहुत खाते हैं और केले बड़े शौक से खाते हैं और स्ट्रॉबेरी का जूस बड़ा मज़े से पीते हैं माशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मिलाते हैं अपने सबसे छोटे भाई जो हमें 8 साल बाद अल्लाह पाक ने दिया था और ये माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं और ये खुद ही अपना तारुफ करवाते हैं। जी उज़ैर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर अकरम, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अकरम है, ये मेरा भाई बड़ा है मोहम्मद आकिब शहजाद। तो किस क्लास में हो आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 9th में हो गया हूँ। 9th में हो गए हो, तो कब और कितनी जल्दी आप ज़्यादा स्टडी कर जाएंगे? इंशाल्लाह 1 साल हो, मैट्रिक हो जानी है। प्लीज मैट्रिक हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप फिर डाउन हुए जा रहे हैं। डाउन ही हुए जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, कुरान पाक कितना पढ़ा आपने? एक बार ख़त्म कर लिया, फिर दोबारा शुरू किया हुआ। अच्छा चलो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है यार, ये बंदा बड़ा टैलेंटेड है जनाब, इसका टिकटॉकर पबजी और ये वो, इसकी बड़ी ये बड़ा फ़ैन है इन चीज़ों का, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। अच्छा तो अब आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ जो के मास्टर हुए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहेब। मियाँ साहब क्या हाल है आपके, ठीक ठाक है? तुम्हें ठीक है? ये मेरे दोस्त हैं, हमारे घर के फर्द हैं। ये साहब कैसे हैं आप?